हेलो दोस्तों, गोल टेक्निक एक्सचेंज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एक ऐसी सर्विस के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको काम करके बहुत अच्छा कमीशन मिल रहा है। CS में एक ऐसी सर्विस है जिसमें आप इंडिविजुअल कंपनी या प्राइवेट कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसमें आपको बहुत अच्छा कमीशन मिल रहा है। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे कि इस सर्विस में हमें किसी भी कंपनी का कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कितना कमीशन मिल रहा है, तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से करूंगा एक गुजारिश, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस घंटी के आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए, सबसे पहले हम जाएंगे डिजिटल सेवा पोर्टल में, वहाँ पर जाकर हम लॉगिन हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने सबसे पहले ही डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन कर रखा है। फिर हम सर्विस में जाएंगे, सर्विस में जाकर हम जाएंगे पार्ट टू में। तो हम सर्च बार में सर्च करेंगे टैक्स, तो हमें टैक्स से संबंधित एक सर्विस दिखाई देगी, तो हम क्लिक हेयर पर क्लिक कर देंगे। जब हम क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो CSE में रिडायरेक्ट होकर टैक्स जीनियस की एक साइट पर ले जाएगी, जहाँ पर हमें बहुत सारी सर्विस दिखाई देंगी, जैसे कि इनकम टैक्स फिलिंग, नाउ जियो, TDS, IT नोटिस, कंप्लेंस, GTS रिटर्न फिलिंग, TDS रिटर्न फिलिंग, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और LLP प्राइवेट रजिस्ट्रेशन। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से संबंधित मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने कुछ जानकारी दी है कि आपको इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वीडियो के एंड में भी डाल दूंगा, जहां से आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे LLP प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन की, इस सर्विस में हमें कैसे भी किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले आपको जहाँ पर एक नोटिस दिया गया है आपको ये पढ़ना है। इसमें बताया गया है कि अगर आप इसमें किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सर्विस टाइम 40 डेज है, कि कम से कम 40 दिनों में ये कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी इस सर्विस के माध्यम से। तो 40 दिनों के अंदर अंदर आपकी कंपनी, आपकी इंडिविजुअल कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो 40 दिनों के अंदर अंदर आपकी ये कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो आपको बताते हैं कि हम इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे LLP प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन पर। तो हम इस साइट पर आ जाएंगे जहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें दिखेगा LLP प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन। तो आपको पहले तो ये बता दूं कि LLP और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है। LLP वो कंपनी है जहाँ जो कंपनी कोई इंडिविजुअल या 2 या 3 पर्सन मिलकर चला रहे हों और उन्होंने ये कंपनी रजिस्टर्ड करानी है। प्राइवेट कंपनी वो है जो प्राइवेट सेक्टर में चलती है, वो कंपनी अगर कोई रजिस्टर्ड करवाना चाहता है तो उस कंपनी का भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। पहले तो हम बता देंगे अगर आप LLP का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसकी अमाउंट आपके बैलेंस से कटेगी 17,700 रुपये, और आप अगर प्राइवेट कंपनी का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसकी अमाउंट लगेगी 29,500 रुपये। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने पर 2300 रुपये का कमीशन CSE की तरफ से तुरंत मिल जाएगा, कम से कम 2300 रुपये मिलेगा, और प्राइवेट कंपनी में आपको ज़्यादा कमीशन भी मिल सकता है। इसके बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं है प्राइवेट कंपनी में, पर LLP में 2300 रुपये का कमीशन बताया जा रहा है। तो अब आगे बात करते हैं कि पहले आपने अगर LLP में करना है तो उसके बारे में हम बता देते हैं। अगर आप LLP में करेंगे तो आपको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे मांगेगा नेम ऑफ द कॉन्टैक्ट पर्सन, तो आपको नेम ऑफ द कॉन्टैक्ट पर्सन पर उसका नेम फिल करना है जिसकी आपको कंपनी रजिस्टर्ड करनी है। उसके बाद आपसे मांगेगा एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, तो उस पर्सन का मोबाइल नंबर डालना है जिसका आप जहाँ पर नाम डालेंगे। उसके बाद जहाँ पर एप्लीकेंट ईमेल आईडी मांगेगा, आपको जहाँ पर उसकी ईमेल आईडी डाल देनी है। उसके बाद आपको एप्लीकेंट का एड्रेस डाल देना है, उसके बाद उसकी स्टेट सेलेक्ट करनी है, फिर उसके बाद आपको BLE मोबाइल नंबर डालना है, यानी कि आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद हम इसे कहेगा अपलोड DSC एप्लीकेशन और अमाउंट बताएगा और सबमिट कर देना है। अब बात आती है अपलोड DSC एप्लीकेशन, इसके बारे में हम बता दें। अगर आपको एक फॉर्म दिख रहा होगा DSC रिक्वेस्ट फॉर्म, आपको ये फॉर्म नहीं डाउनलोड करना बल्कि आपको LLP प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। ये फॉर्म तो DSC रिक्वेस्ट फॉर्म तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए है।
आपको LLP प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, जिसमें आपको एप्लीकेंट की डिटेल फिल करनी है। ये फॉर्म डाउनलोड कर एप्लीकेंट की डिटेल फिल करनी है। पहले तो आपको ये फॉर्म प्रिंट कर लेना है, उसके बाद आपको उसमें पेन से एप्लीकेंट की डिटेल फिल करनी है, उसकी इन्फॉर्मेशन फिल कर उसे स्कैन कर इसमें अपलोड करना है। और इसका फॉर्मेट ओनली PDF, JPG और GIF में ही होना चाहिए। अगर आप किसी और फॉर्मेट में इसे अपलोड करेंगे तो आपकी ये फाइल अपलोड नहीं होगी। अगर आपको फिर भी कोई समस्या है इसमें, तो आपके पास दो यूजर मैनुअल दिए गए हैं, इंग्लिश और हिंदी में। आप इन्हें भी डाउनलोड कर देख सकते हैं कि हमें इसमें क्या जानकारी दी गई है। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी समस्या का सलूशन करेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि हमें इसमें कैसे किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा BLE भाइयों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएँ। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।